तो भाई क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान कौन है? आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान वही है जिसकी आप इस समय वीडियो देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो मुझे अच्छी होने वाली है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूँ। तो भाई ये बात है उस समय का जब पूरी दुनिया पर लॉकडाउन लगा हुआ था, जहां हम दिन भर बैठकर फ्री फायर गेम खेला करते थे। हम पुराने दोस्तों के साथ फ्री फायर खेला करते थे और दिन भर बैठकर मौज मस्ती करते थे, क्योंकि हमें स्कूल न जाना होता था, न ही कहीं बाहर जाना होता था, इसलिए हम खाली बैठे बैठे पूरे दिन भर मोबाइल पर देखते थे, फ्री फायर खेलते थे। तो भाई मेरे मन में एक सवाल आया कि क्यों ना मैं YouTube का अपना एक चैनल बना लूं। इसलिए मैंने एक अपना YouTube चैनल बना लिया। दूसरों को देखते तो काफी अच्छा लगता था कि ये लोग भी YouTube से काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए मेरा भी मन आया कि मैं अपना एक खुद का YouTube चैनल बना लूं। जैसे ही मैंने एक YouTube चैनल बनाया, उस पर जैसे मेरा मेरा मतलब जो मेरा मन सबसे ज्यादा फ्री फायर में लगता था और क्रिकेट और स्पोर्ट्स रिलेटेड सभी चीजों में लगता था। लेकिन मैंने सबसे पहले फ्री फायर का एक YouTube चैनल बना लिया जिस पर मैं डेली फ्री फायर का वीडियो डाला करता था। लेकिन फ्री फायर का वीडियो डालता था लेकिन उस पर व्यूज नहीं आते थे, लेकिन कुछ समय बाद उस पर व्यूज आना शुरू हो गए। जैसे ही मेरा 400 सब्सक्राइबर पूरा हुआ उस चैनल पर, तो उसे YouTube वालों ने टर्मिनेट कर दिया, बिना किसी रीजन से उसे टर्मिनेट कर दिया। इसलिए मैंने पूरा मन टूट गया और उदास हो गया मेरा मन, इसलिए मैंने YouTube चैनल उसको छोड़ दिया, मतलब वो टर्मिनेट हो गया तो मैं फ्री फायर का वीडियो बनाना छोड़ ही दिया। उसके बाद मैंने एक और चैनल बनाया, इस पर मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरी वीडियो डालता था, जो कि कबड्डी क्रिकेट का जो वीडियो बनाकर डालता था। उस पर मैंने लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों डालता था, लेकिन उस पर भी व्यूज नहीं आते थे। लेकिन कुछ समय बाद उस पर भी व्यूज आना शुरू हो गया, लेकिन उसे भी बिना किसी रीजन के यूट्यूब वाले ने टर्मिनेट कर दिया। इसे मेरे दो चैनल ही टर्मिनेट हो गया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। लेकिन जब बात आती है और चैनल बनाने की, तो मैंने तुषार फिट नामक एक चैनल बनाया, वो भी नहीं चला, और मैंने क्रिकेट फैक्ट वाला जो चैनल बनाया वो भी नहीं चला। ऐसे ही मैंने बहुत सारी चैनल यूट्यूब चैनल बनाई, उससे मैं डेली वीडियो डालता था, लेकिन वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाया वो यूट्यूब चैनल। इसलिए मैंने ये बात है 1 जनवरी सन 2023 की। जी हाँ दोस्तों, अगले साल की ही बात है जब मैंने एक अपना स्पोर्ट्स 2.0 करके एक चैनल बनाया। उस पर मैं डेली हर दिन वीडियो डालता था, हर दिन कभी भी गैप नहीं करता था। इसे ऐसी उस चैनल पर मैंने 1,000 के आसपास कुछ वीडियो डाल दिए थे, लेकिन वो चैनल बहुत ही अच्छा चल रहा था। उस पर तकरीबन 6 से 7 हज़ार सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए थे। शुरू में तो व्यूज नहीं आते थे, लेकिन बाद में उनमें व्यूज आना शुरू हो गया था। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट वीडियो पर तो 10 हज़ार प्लस ही व्यूज आते थे और लॉन्ग वीडियो पर भी अच्छे खासे व्यूज आने लगे थे। तकरीबन 1,000 प्लस व्यूज आते थे लॉन्ग वीडियो पर भी। लेकिन मेरा एक वीडियो वायरल हो गया जिस पर मैंने एक मीम्स का उपयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, मीम्स का उपयोग मतलब वो कॉपीराइट फ्री था करके मैंने खोला था। इससे जब मैंने कॉपीराइट फ्री खोला तो वही आया, लेकिन जब मैंने उसे वीडियो पर यूज किया तो उन्होंने भक्त से मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। ऐसे ही मेरे 3 वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गए। इस ऐसे ही मेरा एक स्पोर्ट्स 2.0 वाला चैनल भी टर्मिनेट हो गया। जी हाँ दोस्तों, मेरा ऐसे 5 चैनल है जो कि टर्मिनेट हो गया, और ऐसे बिना किसी रीजन के मात्र एक ही चैनल है जो कि एक रीजन की वजह से टर्मिनेट हुआ है, वो भी मेरा पिछला चैनल स्पोर्ट्स 2.0 करके। उस पर मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर कर लिए थे, 7-8 हज़ार तकरीबन मैंने सब्सक्राइबर कर लिए थे। उनका वो चैनल मोनेटाइज होने के लिए भेजा था मैंने, लेकिन वो किसी रीजन से टर्मिनेट ही हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैंने पूरा क्राइटेरिया कम्प्लीट कर लिया था, लेकिन वो मोनेटाइज नहीं हुआ और मेरे चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से। उन पर 30 स्ट्राइक पड़ चुका था, इसलिए वो चैनल डिलीट हो गया और टर्मिनेट हो गया। मैंने उसे लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चैनल कभी नहीं आ सका, और मेरा अब तक कुछ कोई चैनल नहीं बचा है। इसलिए मैंने एक और न्यू चैनल बना लिया है क्रिको तुषार करके, जिस पर अभी मैं डेली वीडियो डालता हूँ और 10 से 11 दिन हुआ है उस पर लगातार वीडियो डालते हुए, और मेरा 3 से 4 चैनल टर्मिनेट हो गया है। इसलिए मैंने ये चैनल का एक क्रिएट किया है। तो भाई मैं आप लोग के हाथ जोड़कर विनती है कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो और मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और पहले से ही ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मैं डेली इस चैनल पर 1 से 2 वीडियो डेली लाता रहूँगा और कभी भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कभी हार नहीं मानना है। भाई आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान
क्यों हूँ और कैसे हूँ। जी दोस्तों, इसी रीजन से मैंने एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल और बना लिया, एक जिसका नाम है क्रिको तुषार। और भाई मैंने आपको एक बात और बता दूं कि जब मैं यूट्यूब में वीडियो डालता था ना, उसी वीडियो को मैं इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देता था, जिस पर मेरे इंस्टाग्राम पर आज के डेट पर मेरे 8000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आज के डेट पर उस पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते हैं, क्योंकि व्यूज पूरा डाउन हो चुका है। और यूट्यूब पर भी व्यूज नहीं आते हैं, अभी ले देकर 40 से 10-20 व्यूज ही आते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा व्यूज नहीं आते। इसलिए आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा अगर आप सबको इंटरेस्टेड हो क्रिकेट के नॉलेज वीडियो जानने के लिए। तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्रिको तुषार नाम है यूट्यूब पर सर्च करके, या फिर यही से सब्सक्राइब कर देना। तो भाई आप लोगों को हाथ जोड़कर विनती है, आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और मेरे इस दुखद भरी जिंदगी को अच्छे समझ पाओगे, तो आप एक सब्सक्राइब जरूर से कर दोगे। तो भाई मैं आपको एक ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज एक शेयर जरूर से कर देना।